प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कई अहम मुद्दों पर बातचीत। एयर डिफेंस सिस्टम समेत कई सौदों पर लग सकती है मोहर। कीर्ति आजाद को मिला बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल का साथ। आडवाणी और जोशी बोले, कीर्ति के निलंबन से पार्टी को ही होगा नुकसान। बीजेपी दफ्तर पर कीर्ति के समर्थन में प्रदर्शन। कीर्ति के बहाने राहुल का बीजेपी पर निशाना, तो जेटली के समर्थन में आए शरद पवार। कहा डीडीसीए में हो सकती है गड़बड़ी, लेकिन जेटली हैं पाक साफ। कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला, पुलिस काफिले पर फायरिंग में डिप्टी एसपी समेत कई जवान घायल। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। मुंबई के स्कूल में फटा गुब्बारों से गैस भरने वाला सिलेंडर, एक शख्स की मौत, धमाके में 6 स्कूली बच्चे घायल। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में हाथियों का आतंक, 8 हाथियों के झुंड ने कई घरों को तोड़ा, फसलों को भी पहुंचाया नुकसान। बीजेपी के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी का शक्ति प्रदर्शन, दीनदयाल स्मृति संस्थान के सम्मेलन में बोले तिवाड़ी। कहा कार्यकर्ताओं के सम्मान में चलाया अभियान। केंद्रीय आपदा प्रबंधन की टीम पहुंची डूंगरपुर, फसल खराबी से हुए नुकसान का किया आकलन। ग्रामीणों की भी सुनी समस्याएं, फीडबैक के आधार पर रिपोर्ट को तैयार। जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार का एक और गिफ्ट, कठुआ में रक्षा मंत्री ने किया देश के चौथे केबल ब्रिज अटल सेतु का उद्घाटन। 4 साल में 145 करोड़ की लागत से तैयार किया गया पुल। देश भर में क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारी, रोशनी में नहाए चर्च।